नाज़रीन, हेल्थ कार्ड की बंदिश या खात्मे के बाद गरीब आवाम की क्या हालत है, आइए आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर ये हेल्थ कार्ड चलना ही कहीं नहीं तो फिर इसका क्या फायदा है? बेटा, इसके साथ खारिश किया करो। ये हेल्थ कार्ड है, इससे तुम्हारी खारिश भी जरा हेल्दी होगी। हाय मेरे गुर्दे। वो तुम्हारा एक गुर्दा खराब है, कहते रहते हो हाय मेरे गुर्दे, हाय मेरे गुर्दे। तुम कहा करो कि हाय मेरा गुर्दा। जिसने ये हेल्थ कार्ड बंद किया ना, उसके बारे में कहा करो गुर्दाबाद, गुर्दाबाद, गुर्दाबाद। क्या हुआ डॉक्टर साहब? इमरजेंसी। क्या है? मेरा बंदे की हालत बड़ी खराब है। हालत बंदे की खराब है, आ खुद गई हो। नहीं नहीं। और जिसकी तुम बेबी होगी उसकी हालत ठीक हो सकती है। डॉक्टर साहब, उनकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है। तो फिर क्या करो, दवाई तू खाएगी और आराम उसको आएगा? नहीं नहीं, वो भी साथ आए हैं। तो साथ ले आए तो फिर उसको मैं कहाँ रखूंगा? यहाँ पर देखो, हमारे पास वैसे ही बेड बहुत कम है। हमने वैसे ही एक बेड के ऊपर दो दो बंदे बैठाए हुए हैं। सॉरी यार, इसी चक्कर में मैंने तुम्हें भी बंदा कह दिया। मुझे पता था आप यही बहाना लगाएंगे कि बेड नहीं है। मैं अपना बेड साथ लेके आई हूँ। जम्मू बेड लेके आओ। जम्मू? ये जम्मू रहा काला या सादा है? कुछ कर लो डॉक्टर, कुछ कर लो। क्या कर लूँ तुम्हारा? मैं छल्ला फंस गया, छल्ला फंस गया डॉक्टर साहब, छल्ला फंस गया। ओ बाजी, हॉस्पिटल है? हाँ जी। आप तो बेड़ा नहीं है, देखो मुझे कुछ आ भी लिया और बिस्तरा भी करने लग गई है। इधर साथ चूल्हा भी रख लो। क्या जम्मू जी इधर लेते? जम्मू जी, जम्मू जी, जम्मू के साथ जी लगता है? उनसे तक है जम्मू के थे मारे। हाय हाय, मेरे बंदे को नजर लग जाएगी, कैसी बातें कर रहे हैं। इसको मैं हाथ नहीं लगाना चाहता, तू नजर की बात कर रही है। ओ भाई साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, हाँ, छल्ला फंस गया भाई। छल्ला फंस गया? तो छल्ला कौन सा था? सोने का। मैं अपने मेके से लाई थी जी शादी पे। तो वो खा गया? तू तुझे शर्म नहीं आई बेगम का छल्ला खा गया? मैं कैसे खाया था? सालन खादा रोटी। तो सालन से तुम्हें यही नहीं पता चला कि छल्ला जा रहा मुंह के अंदर? रोटी बड़ी मजेदार सी, काली काली चुपुरकी नंगी। अच्छा, ये कौन सा छल्ला था? एक तो था मैडम नूरजहां वाला, और दूसरा था शाहरुख खान वाला, और तीसरा था शौकत अली वाला। कौन सा है? अगर तो मैडम वाला है ना, फिर तुम्हें मार पड़ेगी। मैडम ने कहा था ना, मेरी चीची का छल्ला ही ला लिया, घर जाकर मैं शिकायत लाऊंगी। शिकायत ला के तुम्हें थप्पड़ पड़ेंगे। अगर शाहरुख वाला वो खुद ही ढूंढ लेगा छल्ला की लभदा भी। अगर शौकत अली वाला छल्ला है ना, फिर बेटा जरा छल्ला नहीं निकलेगा, क्योंकि शौकत अली ने कहा था छल्ला गाल दी गानी, अब तेरे गल की गानी बन गई वो। डॉक्टर साहब प्लीज टेक इट सीरियस, उसकी हालत खराब है, आपको जुगते आई हुई है। जुगते ना करो तो मैं क्या करूं? एक बंदा छल्ला ही खा गया, ये बीमारी तो कभी किसी को हुई ही नहीं है। डॉक्टर साहब, हां, छल्ला निकाल दे, चाहे इसका गला काट दे, मेरा सोने का छल्ला मेरे पेके ने दिया था। देखो देखो, बाजी को छल्ले की फिक्र, बंदे की फिक्र नहीं। तू मुझे कह रहे हो जुगतों की पड़ी है आपको? डॉक्टर साहब प्लीज, गाल कटवा रही है मेरा, मैं तेरी खबर की नहीं कीता। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब ताडे मुके नाल मेनू ते मेरी बीवी दे मुके नाल नहीं निकलिया। अभी तो बीवी ने ध्यान से मुक्का मारा होगा, इसलिए कि तुम्हारे अंदर उसका छल्ला फंसा हुआ है। अगर वो फ्री हैंड से मारती ना, तो तुम्हारी छली छली चीज बाहर आ जानी थी। छल्ला नहीं, फिर कल्ला कल्ला पार्ट बाहर आ जाना। डॉक्टर साहब, 24 गिलास पानी में पी लिया। और जो तुमने 24 गिलास पानी पिया हुआ है ना, मेरा ख्याल छल्ला वैसे डूब के मर गया होगा अंदर। हाय हाय, छल्ला क्यों डूब के मरे? ये मर्जे से छल्ला मेरे पेको ने दिया हुआ है। और तेरा बेड़ा उतर जे, तन्नु मैं जवानी ची छड़ देना चाहिए था तन्नु। जम्मू जी फिकर ना करो, छल्ला कढ़ा रहे ना। नाम कैसा रखा जम्मू जी? डॉक्टर साहब कुछ करें। अगर सब कुछ मैंने ही करना है तो आप यहाँ पर के चादरें बदलने के लिए आई हैं? डॉक्टर साहब जरा ध्यान से, मैं YDA की जनरल सेक्रेटरी भी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप भी ये बात अपने जहन में रखें कि मैं भी तकरीबन YDA का ही हूँ। यंग डॉक्टर्स के अंदर मैं बैठता हूँ, जितने यंग डॉक्टर ना उनके अंदर बैठ बैठ के मैं भी तकरीबन फीलिंग यंग वाली रखता हूँ। और मेरे बाल अभी तक इतने YDA नहीं हुए। मैडम एक बात बताइए, आपको शोहर अजीज है या छल्ला? हम दोनों में से एक को बचा सकते हैं। छल्ला। छल्ला। ओ तेरा बेड़ा उतर जे। ओ तेरा बेड़ा उतर जे। प्लीज टेक इट सीरियस। बस। बस तो जब मैं छल्ला निकाल लूंगा ना, फिर आपने ना वैन डालने हैं। चंगा छल्ला सी हो गया। जब मुझे फिक्र ना करो, तुसी भी बच जाओगे। डोंट वरी। एक सेकंड देख, एक सेकंड। मैडम, छल्ला आसानी से निकल सकता है, इसको दो थप्पड़ पड़ेंगे ना ये निकल आएगा। इन्हें छल्ला गले ना कुटिया हुआ है।
सर दो, मैं 6 थप्पड़ मारे ने, पौड़ी तो पुट्ठा टांग के इंजन चाड़ती रही है। डॉक्टर इसको सीरियस लें आप, क्या डॉक्टर ये मर जाएगा? नहीं मरेगा, सांस उसको आ रही है, छल्ले के अंदर सुराग होता है, इसमें से आ रहा है। अनबिलीवेबल, आप किधर जा रहे हो उसको छोड़ के? आप क्या काम कर रहे हो? मैंने कोई इधर रेडी नहीं लगाई हुई, मतलब मैंगो लगे इन्हें। ओ भाई साहब आपकी जरूरत पड़ गई मुझे, करना इसका छला निकालना है। कैसे? अपने सर के ऊपर छापा डाल के ना इसके मुंह के अंदर उतर जाओ, छला लेके बाहर आ जाना, तुम्हारा नाम हो जाएगा कि टाइटैनिक ने कोई नहीं दे सका, मैं देखा आया हूँ। डॉक्टर साहब पहने नहीं जाने देना, ये मेरा रूममेट है। डॉक्टर साहब तेरे से जान निकली जा रही है। इनको फ्लैजल दी है? जी सर फ्लैजल दी है। इसका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है सर। भाई साहब जब तक आप अपनी ये बादी चीजें नहीं ना छोड़ेंगे आपका मर्ज ठीक नहीं होगा। आप रोजाना छोटे गोश्त के साथ रोटी खाते, आपका मैंने मटन मना किया हुआ है, आपने अब चिकन तक नहीं खाना, आपने सिर्फ सब्जियां लेनी और हरे रंग की सारी सब्जियां इस्तेमाल करनी है। गोश्त तो मैंने खाया नहीं, मैंने 2 किलो चूरी के साथ 6 गिलास दूध के पिए। और चूरी तू रांझे था पुत्र, यहाँ से दर्द शुरू होती है, घोटो तक आती है। बेटा फिर तेरे अंदर मेट्रो काम करने लगी है, घोटो से निकल कर गिट्टो तक आती है, फिर यहाँ आकर ठहर जाती है कुछ करे। भाई यहाँ पर गज्जू मता शराब है, दर्द ना ट्रेवल कर रही है। डॉक्टर साहब कुछ आप भी करें, आप सर मेरा मुंह देख रही है। आपने क्या पढ़ा क्या है? मैंने बुक्स में सब कुछ पढ़ा है। बुक्स में पढ़ा तो कौन इस बुक में पढ़ा है? आप इन रेलिवेंट बातें कर रहे हैं तो आप किसी को दवाई सजेस्ट करें, किसी को नब्ज देखें, किसी का बीपी देखें, किसी की ईसीजी करवाएं। सीनियर आप हैं, सीनियर आप हैं, ऐसे आगे गेमा खेल के तो कर चले जाने। आप यहाँ पे जुक्ते लगा रहे हैं। कितने चला तू रक्षा कराया, लेट जाओ यार। भाई साहब किधर? यार मेरा कजन दाखिल है, अंदर फ्रूट देने जा रहा हूँ। लेकिन इस टाइम इजाजत नहीं है भाई, इधर आ जा। ओ यार मैं फ्रूट दे के आ रहा हूँ। ओ भाई ये टाइम नहीं है। ओ यार एक केला आप खा लो यार। ओ भाई केलों की बात नहीं, डॉक्टर साहब रोड पे आपकी मेहरबानी है, इधर मैं फ्रूट दे के एक मिनट में आ रहा हूँ। भाई मरीजों को मिलने का टाइम होता है, आपकी मेहरबानी है, कोई तरीका कार होता है, इधर यार एक मिनट यार, ये फ्रूट दे के वापस आना है। 20 रुपए? हाँ 20 मिनट में वापस आना है। डॉक्टर साहब अगर हेल्थ कार्ड बंद हो गए तो मुझे 4-5 और कार्ड दे दे, मैं बैठा ताश ही खेलता रहूं। ओए अपने घर वालों को फोन करो तो मैं लेकर जाए। फोन बंद हो गया जी। क्यों? ओ सर हेल्थ कार्ड भी बंद हो गया और मेरा सिम कार्ड भी बंद हो गया। खुद उठ के चले जाओ। मैं भला कहाँ रहता हूँ, मेरा तो दिमाग भी बंद हो गया। और गरीब आदमी का दिमाग बंद हो गया है डॉक्टर साहब हेल्थ कार्ड बंद होने से। हाँ जी तो उनको मना करे ना जिन्होंने बंद किया है, इसमें हमारा क्या कसूर है? डॉक्टर साहब वो आप पर बड़े सख्त किस्म के एलिगेशन लगाते हैं, वो कहते हैं कि ये सारा फ्रॉड जो है ये आपके और हॉस्पिटल्स की मिली भगत की वजह से हो रहा है। एग्जैक्टली देखे ना डॉक्टर्स के पीछे पड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं जी कि डॉक्टर ने ये कर दिया वो कर दिया, उन्होंने अपनी गाड़ियां ले ली है, ये कर वो कर रहे हैं। अब ये उनको नहीं ढूंढ रहे जिन्होंने हेल्थ कार्ड का गलत इस्तेमाल। बिल्कुल सही, आई एग्री। अल्लाह तेरा शुक्र है इस बंदे ने पहली बार मेरे नाल एग्री किया। मैं आज जाके सदका लवांगा। डॉक्टर साहब हेल्थ कार्ड बंद करने वाले नु जिन्ने कुछ कहना है उन्ने भी बंद ही हो जाना। यार नर्स वाला सिगरेट किसने पिया? नर्स वाला सिगरेट? डॉक्टर साहब वैसे मुझे आप खुद बहुत बड़े नर्सी लग रहे हैं। नर्सी तिक्का। मुझे लग रहा है वो बंदा जो मुलाकात करने गया है उसने पिया होगा। दो कश लवा दियो, पता नहीं जीना कि मरना। बस 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 बस। हेलो सर वाईडीए की हड़ताल है और इमरजेंसी वार्ड बंद है। प्रोपेगेंडा ना करो वाईडीए के खिलाफ, कोई हड़ताल नहीं है, हम यहाँ काम कर रहे हैं। भाई साहब बोले मरीज है, क्या हो गया आपको, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? डॉक्टर साहब। हाँ जी मुझे घबराहट हो रही। इसका बीपी चेक किया? नॉर्मल है। ईसीजी? 6 बार किए, ईसीजी में आ ही नहीं रहा। सबको ठीक है, इसको मैंने भी चेक किया है। डॉक्टर साहब इसको मैंने भी चेक किया, इसको डॉक्टर यासिर ने भी चेक किया है, मेरा ख्याल है कि आप इसके बाप को चेक करवाएं। ओए शायद कर औलाद नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब मुझे सारे चेक कर रहे हो, वो मेरा इलाज क्यों नहीं कर रहे? जब तुम्हारे अंदर है और ठहर जा पहले, एक नु तो मर लंदे। ओए मेरे गुर्दे, ओए मेरी दर्द, ओए हॉस्पिटल रेडी नहीं है। इजी सत्यानाश से एकदम आवाजें लगाने लगे जैसे कुछ बेच रहे हैं। तमीज करो हॉस्पिटल मुझे ठीक। कैसे पहले कभी बीमार नहीं हुए? बदतमीज मुझे ठीक करके भेजो, मुझे यहाँ बदरू में नजर आती है। बदरू नहीं वैसे बैठा हुआ ये। ओ
और तुमने तो वैसे ही मर जाना, मुझे तो ठीक होने दो, चेक करो जी। और तुम बिल्कुल ठीक हो, बहानेबाजी कर रहे हो, काम पे नहीं जाना चाहते या शादी करना चाहते हो, दोनों में से कौन सी बात है? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं हॉस्पिटल में सिर्फ एसी का मजा लेने आता हूँ। एक्चुअली एसी का मजा लेने आया यहाँ पे पेन। तुम्हारा कौन सा टेस्ट है जो मैंने नहीं किया? दो खून की बोतलें इसको लगाई है, फिर टेस्ट करने के लिए किसी के अंदर से खून नहीं निकला। ऐसा मेरे दिल में दर्द हो रहा है सर जी, इसकी तो सारी फिटिंग ही पुट्ठी है। ओए दिल इधर होता है, चिड़ी इधर होता है, कपड़ा हमें नहीं पता चलता इधर होता है। डॉक्टर साहब, हाँ जी, कोई ऐसी मशीन नहीं है जो इसके मुंह में डाल के छल्ला खींच ले? मैं बड़ी क्रेन मंगवाता हूँ मैं, जो इसके मुंह में अंदर जाएगी, जाके छल्ला निकाल के ले आएगी। डॉक्टर साहब, ये हेल्थ कार्ड को एटीएम मशीन में डालकर पैसे निकाल के कुछ दोपहर की रोटी तो मंगाए। तेरी खातिर मैं बाहर फिरता रहूं। अब हेल्थ कार्ड में ना गुर्दों का इलाज होता है, ऐसा ही है, ना दिल का इलाज होता है, ना कैंसर का इलाज होता है, अब तो हेल्थ कार्ड पे सिर्फ वहम का इलाज होगा। बेटा आप लोगों का ये भी वहम है। डॉक्टर साहब, हेल्थ कार्ड पे छल्ले का इलाज तो हो सकता है ना? छल्ले का इलाज हो जाएगा, उसके बाद ये छल्ले ना छल्ले इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। मेरा इलाज होगा कि मैं छुट्टी पे हूँ। ओए तू अपने घर जा, खाम का तुम्हारा बेड जो है ना अपना इस्तेमाल कर। चल शाबाश, उठ। सिक्योरिटी इसको उठा के ना बाहर रखे हो, चलो चल चल। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है, काम करो, रोटियां तोड़ रहा हॉस्पिटल की। चलो सिस्टर, इसमें थोड़ी फ्लेजर और स्प्रोक्सन डालो। फिटे मुंह ऐसे हॉस्पिटल पे, नेचर इनके पास आया कोई। सिक्योरिटी गार्ड दवाइयां बता के गया है, और हम देखते हैं मीडिया पे हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो सर्जरियां कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसको ना निकाल के कुछ जाहल बंदा रखता हूँ, ये ऐसा ऐसा काम सीख गया, ये तो सीधा डॉक्टर नासर को ही पड़ जाएगा। मैंने और कितने दिन दाखिल रहना है? जब तक मैट्रिक नहीं हो जाती तुमने इधर ही दाखिल रहना है। मेरे शोहर को ठीक कर दे, इसके अलावा मेरा कौन सहारा है? काश कोई मेरी केयर करने वाली भी मेरे पास बैठी होती। मैंने भी यही सोचकर इस हॉस्पिटल में जॉब की थी कि शायद कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, डॉक्टर सारे बुके और मरीज सारे रिक्शे वाले। और सिस्टर ये जगह ही ऐसी है, यहाँ आते मियाँ बीवी हैं और वापसी पे एक जना ही वापस जाता है। शुक्र है मैं अकेला ही आया हूँ। लेकिन मैं छल्ला लेके जाऊंगी, अकेली नहीं जाऊंगी। कभी तुझे बंदा चाहिए, कभी तुझे छल्ला चाहिए। असल बात बता, क्या चाहिए तुझे? डॉक्टर बिजी है, अपने खामन को आरे पे ले जा। और भाई साहब आपका हेल्थ कार्ड चलना नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है। मैडम इनका ऑपरेट होगा और उसके लिए स्पेशल आलात चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप कहें तो मैं बाहर से ऑर्डर कर दूं, उसके अलग पैसे लगेंगे। छल्ले से ज्यादा पैसे अजीज नहीं है। अरे मैं सदके जाऊं, रुलाएगी पगली। दुनिया की पहली औरत है जिसको छल्ले से ज्यादा प्यार है। छल्लिया। हेलो, हाँ बकास, गले का ऑपरेटर, सारे आलात लेकर आओ। हाँ ठीक है, पैकिंग लेके आना, खुले हुए नहीं चाहिए मुझे। बिल कितना है? 7,500। ओके मैडम, मैडम 7,500 का बिल बनेगा। छल्ला हेल्थ कार्ड पे है? नहीं, हेल्थ कार्ड पे छल्ला नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ हेल्थ कार्ड ही है। यहाँ पर पता कौन सा कार्ड चलेगा? एटीएम कार्ड। बिल कितना है? 7,500। छल्ले का? नहीं, बिजली का। मेरी बात सुने, 3,300 का छल्ला है, बिल 7,500, आप इसके गले में ही रहने दो। सही बात है बाजी, छल्ला गले में रहने दो, आप समझ ना छल्ला लॉकर में पड़ा हुआ है। 3,300 का छल्ला और टके का बंदा। साहब इसे समझाए, दर्द यहाँ हो रही है, पट्टी हाथ पे कर रही है।